विशेष तौर पर दसन जा रहे हैं सुख समृद्धि के कुछ टोटके। सब तो पहला अपनी जिंदगी में जो तुम खुशहाल बनाना चाहते हो तुसी कमल दे फुल दे बीज जड़े हैगे आ ओ लै लो। चावल दे नाल दुध दे विच मिला के दुध दे विच पीस लेना। चौल लैने कमल गट्टे लैने जो बीज होंगे उन्होंने चंगी तरीके दे नाल पीस के फिर घ्यो दे विच या खीर या हलवे दे नाल तुसी खाओ। इदां खाओ कि जिदा कई दिन तक थानू भुख लगेगी ही नहीं खाने तो बाद। सो बहुत अच्छे ये इफेक्ट थानू मिलेंगे पहली गल। दूजी गल मन जड़ा हैगा उन्हें मजबूत बनाने दे लई ते दिमाग नू तेज करने दे लई एक लाल रंग का सुलेमानी हकीक अपने शरीर दे विच धारण करोगे तो बहुत ज़्यादा वधिया रिजल्ट्स मिलने दे चांसिस बन जाते ने। सो जीवन नू खुशहाल बनाने दे लई सब तो पहला की चाहिए कि थोड़ा शरीर जड़ा रोग रहित होना चाहिए। बीमारियां नहीं उन्हें होनी चाहिए। बीमारियां किदां दूर होंगे जो थोड़े जन्म कुंडली का दूजा छेवां सत्तवां अठवां ते बारवां घर इहदे नाल संबंधित थोड़े प्लैनेट्स ठीक होंगे। सो उन्हां घरां दे उत्ते दृष्टियां जिहड़े जिहड़े ग्रहां दियां उह दृष्टियां चंगीआं दृष्टियां होणगीआं चंगे ग्रहां दियां क्योंकि माड़े ग्रह की माड़ी दृष्टि होगी तो उसके नाल भी प्रॉब्लम आ जाएगी थानू। सो जे ये प्लैनेट्स माड़े ने इन्हां घरां दे विच बैठे तो तुसी सिंपली की करो कि अपनी ही जन्म कुंडली दिखाने तो बाद अलग अलग प्लैनेट्स ते दी दान जरूर करो। साढ़े नाल अज वर्ल्ड दे विचों बहुत सारे देशों के लोग जुड़े हुए हैं जिहड़े जदों भी कुंडली चैक कराते असी उन्हां नूं दान लिखते हैं। वह कहते दान कित्थे करिए कोई लैंदा ही नहीं है। तो असी अपने दफ्तर ही 35 परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था की होंगी है जिदे बहुत सारे लोग आते हैं उदा तो जिदा जड़ा जड़ा ग्रह खराब है वो मुताबिक ही वह चीज़ा दान के लिए लोग भेजते हैं। सो 35 परिवारों की असी सारे समान की सोटिंग करते हैं सारा समान उन्होंने देने रेडी करते हैं। तो इस तो अलावा वो पूछते हैं कि उस दिन असी की लैके आईए तो ऐकी तो देखो एक परिवार राजमा चावल लैके आया एक परिवार चने ते कुलचे वो लैके आया एक परिवार पपीते की चाट बना के लैके आ गया एक परिवार बेसन की बर्फी लैके आ गया। सो यह होंदा एक तरीका दान का जिहदे नाल थोड़े स्टार्स निश्चित रूप से वधिया होके थोड़ी जिंदगी नू खुशहाल बनाएंगे। सो जे तुसी भी इस मुहिम शामिल होना चाहते हो तो स्वागत है। उदू बाद दस दिए कि जड़े जड़े थोड़े प्लैनेट्स माड़े ने उन्होंने फल खाओ फलों को बचाओ तो बीज जड़े है वो बीजा जरा अगे ग्रो करो बूटे बनाओ बूटे लगाओ बूटे गिफ्ट करो जिते जाओ किसी को गिफ्ट देने एक बूटा जरूर दो। देखो साड़ा कोई फंक्शन होंगे तो बूटा तैयार होंगे तुम भी जो साढ़े को आओगे तो एक प्लांट थोड़ा देख के भेजेंगे। ये सारा कुछ करन तो बाद जन्म कुंडली दिखाने तो बाद आपां अपने लग्नेश लगन दे स्वामी फिर पंजवें दा स्वामी अच्छी जगह ते है कि नहीं उहदा लगन दा तो पा ही सकते हैं ना स्टोन एक वधिया रतन। नौवें दा स्वामी कित्थे है उहदे मुताबिक उहदा रतन भी पा सकते हैं। तीन रतन आपां घट्टो घट पा सकते हैं जे कुंडली अलाउ करती है एक रुद्राक्ष पा सकते हैं। सो यह सारिया चीज़ां जदों तुसीं करोगे तो थोड़ी लाइफ खुशहाल होने तो कोई नहीं रोक सकता। वड्डियां वड्डियां प्रॉब्लम्स छोटियां जिहियां लगनगियां महसूस ही नहीं होएगा कि कोई लाइफ के विच थोड़े ट्रबल्स टेंशन्स बहुत ज़्यादा आ गई। सो प्यारे दर्शको जे तुसी भी साढ़े नाल जुड़ के लाइफ नूं खुशहाल बनाना चाहते हो तो एदू वधिया तरीका नहीं हो सकता जिहड़ा तुहानूं अज दस्सिया। कोई बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे क्योंकि इंटरनेट पर बैठे बहुत सारे लुटेरे बैठे आ वह कहते जी ध्यान ला के दसांगे कि थानू कि काले नाल कुछ खवाता तो ध्यान किन्ने लगता 1.5 लाख के इतने ध्यान किन्ने ला के देवे 350 रुपये आओगे जो तुम पर जे इंडिया तो कितों भी फोन तो पुछोगे 1100 विदेश तो फोन तो पुछोगे 3100 सर्विसिज का फर्क है बस। सो जे अज का प्रोग्राम वधिया लग्या तो दोस्तों के नाल जरूर शेयर करियो तो साडा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया तो फेसबुक पेज सेम नाम तो उन्होंने सबसक्राइब करना ना भूलियो। सानू मिलना तो स्क्रीन पर साढ़े नंबर का टाइम लैके आके मिल सकते हो या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो।
ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨੀ, ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੰਤਰ ਦੋਸ਼, ਇਹਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਪੌਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁੱਕੇ ਜਾਈਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਓ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤਕਦੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਜੂਗੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ।